डियर स्टूडेंट डीडीएसए मैन स्टडी में आपका स्वागत है। हम आप लोग को आज कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ाएंगे। बल्कि हम इसका आपको मेथड बताएंगे और इसको न्यूमेरिकल पोर्शन भी बता देंगे। सबसे पहले हम कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल जानेंगे। तो सो सिंपल है, सब व्हाट इज कम्प्लीमेंट्री एंगल एंड व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है एंड सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कम्प्लीमेंट्री मीन्स इसकी जो हिंदी होती है पूरक कोड होता है, एंड सप्लीमेंट्री एंगल मीन्स इसकी जो हिंदी होती है संपूरक होता है। क्लियर? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कम्प्लीमेंट्री, व्हाट इज कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है कम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, इसकी हिंदी होती है हिंदी मीडियम में आप लोग पढ़ेंगे। कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, द मेजर समापक एंगल, समापक एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट मेंट्री एंगल। क्लियर? यानी ऐसे दो को जिनका जो योगफल होता है 90 अंश के बराबर हो उसको हम क्या कहते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। यानी अब देख रहे हैं कि जो इज इक्वल टू यानी द मेजर ऑफ समापक एंगल इज इक्वल टू 90 मींस कि आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि जो हम एंगल बनाएंगे किस टच का एंगल होगा 90। कितने एंगल में डिवाइड होगा, दो एंगल मैंने टू एंगल, तो एक एंगल यह है इसे क्या करेंगे कैसे कर देंगे इसका भी नाम दे दीजिए सी। तो टू एंगल हो गया, ये आपका फर्स्ट एंगल एंड ये सेकेंड एंगल, यानी जो इसका योगफल है तो इसका भी कुछ वैल्यू होगा एंड इसका भी कुछ वैल्यू होगा। मान लेते हैं ये आपका एक्स डिग्री है एंड ये वाई डिग्री है, तो एक्स और वाई का जो योगफल होगा यानी इसकी माप का जो योगफल होगा कितने इसके बराबर होगा 90 डिग्री के बराबर, उसी को हम क्या कहते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। क्लियर? तो फ्रॉम फिगर वी कैन राइट, यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम फिगर पट ए ओ बी, क्या ए ओ बी आपका 20 में डिवाइड है मीन्स की ए ओ सी एंड सी ओ बी, देखेंगे फ्रॉम फिगर ए ओ सी प्लस प्लस सी ओ बी इज इक्वल टू 90। अब चूंकि हम दोनों की वैल्यू दे दें एक्स दे दिए वाई, ये नेसेसरी नहीं है कि आपसे किया कि दोनों एंगल इक्वल हो, इक्वल भी हो सकते हैं लेकिन चूंकि दिया है हम इक्वल हम मानेंगे, इसलिए हम इसको एक्स मान लिए और इसको क्या मानेंगे वाई मानेंगे। तो लिख लीजिए आप, यानी ए ओ सी का मान आपका वाई है, क्या है वाई और इसका मान एंगल इक्वल टू 90 मीन्स कि अगर कोई भी एक एंगल दिया है तो दूसरा एंगल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे एक फार्मूला लगा देंगे। यहाँ से आप चाहे तो y का मान निकाल लीजिए चाहे तो x का मान, यही आपका क्या होगा y इज इक्वल टू 90 एंस माइनस x। तो इससे हम यही देख रहे हैं कि अगर एक कोण आपका x हो तो दूसरा कोण आपका क्या होगा, तो एक कोण x हो दूसरा y है तो दोनों का योगफल क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यानी आपने के लिए एक की वैल्यू दी रहेगी और एक की वैल्यू हम क्या करेंगे फाइंड कर लेंगे। यानी अगर दो पूरा कोड़ा का दिया हो एक एक्स और वाई हो तो पहला क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स होगा या क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। क्लियर? तो इसी पे आप क्या करेंगे सवाल लगाएंगे, आपका दिया रहेगा आपको बिल्कुल दे देगा 45 है या 65 है इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड कीजिए। तो पहला आपका दिया रहेगा दूसरा क्या करेंगे इसी फार्मूले की सहायता से आप क्या करेंगे फाइंड कर लेंगे। क्लियर? ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुआ, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है दो कोणों का जो योगफल होता है कितने अंश के बराबर होता है 90 अंश के बराबर। तो हम लिख देंगे
तो कैसे सॉल्व किया जाता है? तो फर्स्ट जो हमारा न्यूमेरिकल है दिया एक करोड़ उसके सम सॉरी एक करोड़ उसके पूरक का चार गुना है, तो कोड बताइए। जैसा कि हम आप लोगों को कल बता दिए थे कि पूरक कोड किसे कहते हैं, पूरक कोड हम उसको कहते हैं जिसके किन्हीं दो कोडों का जो योगफल होता है 90 अंश से क्या हो, बराबर हो, उसी को हम क्या कहते हैं, पूरक कोड कहते हैं। तो चूंकि पूरक कोड कितने एंगल होना चाहिए, दो एंगल होना चाहिए, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो देख रहे हैं कि एक कोड है उसके पूरक का चार गुना है, तो कोड बताइए। यानी सबसे पहले चूंकि पूरक में दो एंगल आएंगे तो दोनों एंगल को पहले एंगल को मान लेंगे, दूसरा एंगल हमारा क्या होता है निकल जाता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे, माना पहला कोड, माना पहला कोड क्या यक्स है, तो दूसरा कोड क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा कोड क्या होगा 90 माइनस यक्स हो जाएगा। क्लियर? यानी पहला कोड हमारा यक्स है तो दूसरा कोड क्या हो जाएगा 90 माइनस यक्स। अब हमें टारगेट क्वेश्चन आएंगे, प्रश्न अनुसार हमारा क्या है, एक कोड यानी हमारा पहला कोड उसके पूरक का चार गुना है, मान लीजिए ये कोड है इसके पूरक का कितना है, चार गुना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार x इज इक्वल टू 490 माइनस x कि जो पहला एक कोड है इसके पूरक का कितना है, चार गुना है। हो गया प्रश्न से क्या हुआ, एक कोड पूरक का चार गुना है। तो हमें क्या करना है, सॉल्व आपको देखिए, आपको लीनियर इक्वेशन मिल गया, एक रैखिक समीकरण मिल गया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे आप बीजगणित में सवाल जो रहता है सॉल्व करते हैं, ठीक इसी प्रकार इस सवाल को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए कैसे होगा, यक्स जो है यक्स को हमने देंगे, इस 4 का इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, मींस कि 4 का 90 के भी मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड यक्स में भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। कर दीजिए कितना होगा, 360 माइनस 4x। अब आपको यहां से क्या करना है, क्योंकि हमारा यक्स क्या है, चर है, चर किसे कहते हैं, चर मीन्स होता है कि जो जिसका मान हमेशा क्या हो बदलता रहता है, कभी किसी समीकरण के लिए x का मान 2 आएगा तो कभी किसी के लिए 3 आएगा, मीन्स कि हमेशा बदलता रहता है। तो हम जिसका भी हमें मान निकालना होता है उसको हम क्या करते हैं, एक साइड में कर देते हैं, मेनली क्या करते हैं, जिसकी भी वैल्यू फाइंड करना होता है उसको लेफ्ट साइड में कर देते हैं। तो 4x है, 4x को इधर आएंगे, इसके पहले आप लोगों को बता दिए हैं, और चूंकि ये 9th का सवाल है तो 9th वाले को जानते ही है कि लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, जब किसी को भी हम समीकरण सॉल्व करते हैं यदि प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है, मीन्स कि अगर लेफ्ट से हम राइट में जाते हैं अगर उसका चिन्ह प्लस रहता है, अगर राइट में जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और यदि राइट की ओर हम लेफ्ट जाते हैं तो उसका चिन्ह प्लस रहे चाहे माइनस रहे उसी के कारण क्या होता है, चेंज हो जाता है। अगर गुणा रहता है तो भाग हो जाता है, और भाग रहता है तो क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे, यहाँ पे माइनस 4x है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी x प्लस 4x इक्वल टू 360। अब इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, इसको जोड़ लीजिए कितना होगा 5x इज इक्वल टू 360। अब इसको इधर ला दीजिए, 5x का यहाँ पर इस दोनों में क्या है, मल्टीपल है, और मल्टीपल है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना, x is equal to 360 by 5, काट दिए 535 510, यानी x is equal to 72, यानी एक बार यहाँ पे चूंकि कोड का मान बताना है ना तो x का मान आप फाइंड करके 72 लिख दिए, तो हमारा दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा निकालेंगे क्या करेंगे, दूसरा कोड बराबर 90 माइनस 72 कितना हो जाएगा, 18 है, हो जाएगा, सॉल्व कर लें।
अब आपको ये चेक करना है कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। कैसे चेक करेंगे इसको, इसको जरूरी है। देखिए अगर 90 मिल जाता है तो आपका सवाल सही है, अदरवाइज क्या है, गलत है। तो 8 × 10 = 9, ये हमारा सवाल क्या है, सही है। तो ऐसे ही जितने टाइप्स के आपके बुक में सवाल दिया गया है उसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। हो सकता है व्हाट्सएप के जरिए हम आपको क्या करेंगे, मेरे को हम सेंड करते हैं। सेकेंड आइए, सेकेंड का सवाल इसको नोट कर लीजिए आप लोग। सेकेंड कैसे सॉल्व होगा, सेकेंड में मेरे का सॉल्यूशन कैसे होगा इसका। सेकेंड भी ठीक इसी प्रकार है, डिफरेंस यही है कि इसमें फर्स्ट वाले में पूरक है और सेकेंड वाले में क्या है, संपूरक है। कोई बात नहीं, दो आंसर इसमें भी है। एक कोण का मापन उसके संपूरक का क्या है, दोगुना, यानी एक कोण जो है उसके संपूरक का दोगुना है। तो हमें क्या करना है, उसका मान बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, मान लेते हैं, ठीक वैसे ही क्या करेंगे, माना माना पहला कोण क्या है, यस मान लीजिए एक्स वाई कुछ भी मान सकते हैं। तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा कोण बराबर क्या होगा, क्योंकि संपूरक की बात किया है, ध्यान में आना चाहिए संपूरक क्या होता है। जिन दो कोणों का जो योगफल है 180 अंश के बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। तो अगर पहला हमारा x है दूसरा क्या होगा, 180 अंश माइनस x होगा, क्लियर। अब एक आगे क्वेश्चन आइए कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कि एक कोण मान लीजिए पहला कोण ही का जो मापन है उसके जितना में दिया गया है उसके संपूरक का क्या है, तो ना किसका दोगुना है, यानी पहला कोण यहाँ पर लिख लेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार जो हमारा पहला कोण है, प्रश्नानुसार पहला कोण संपूरक का, नहीं समझ में आता तो लिखना चाहिए, संपूरक का दोगुना, यानी पहला कोण आप क्या मानेंगे, यस माने, जैसे जैसे मान आप पुट करते जाइए, यस इज इक्वल टू संपूरक का, संपूरक क्या है 180 अंश माइनस यस का 20 गुणा 2 का 20 2 का गुणा, क्लियर। यानी जैसा था ठीक है ऐसे ही क्या ले ली थी। अब आपको फिर एक लीनियर इक्वेशन मिल गया, क्या मिल गया, एक लीनियर इक्वेशन मिल गया, ठीक। इसका हम क्या करेंगे, जो पहले वाले काम किए ठीक है ऐसे करेंगे, इसमें मल्टीपल करेंगे और हम सवाल को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, कर दीजिए x = 2 का इसमें मल्टीपल करेंगे क्या हो जाएगा, 360 माइनस 2 का x में करेंगे क्या हो जाएगा 2x, फिर लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, फिर हमारा वही प्रोसेस ही होगा, 2x है लेफ्ट में आया तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 360, x प्लस 2x कितना हो जाएगा 3x, 360, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 360/3 120, यानी x इज इक्वल टू 120, यानी पहला हमारा ये हो गया। दूसरा कैसे निकलेगा, दूसरा क्या करेंगे, हटा देंगे, दूसरा क्या हो जाएगा 180 अंश माइनस 120 इज इक्वल टू 160, दूसरा हमारा 60 हो गया और पहला क्या हो गया 120। अब इसको चेक कैसे करते हैं कि हमारा सवाल सही है कि गलत है, तो 120 एंड 60 को जोड़ दीजिए, यदि आपका 180 आया था तो हमारा सवाल क्या है, सही है। तो इस टाइप्स के जितने भी सवाल हैं बुक में दिए गए हैं इन सभी सवालों को आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो भी प्रॉब्लम है नहीं आ रहा है तो उसको पूछेंगे, क्लियर। नोट कर लीजिए,
तीसरा सवाल आपका ये दिया है, एक कोण और उसके पूरक का अंतर, यानी एक कोण और उसके पूरक का अंतर कितना है? 36 है, तो कोण का मान ज्ञात करना है। इसको हम केवल समझाएंगे और सवाल सॉल्व करने का तरीका, सवाल सॉल्व आप करेंगे और कमेंट के थ्रू उसका क्या करेंगे, आंसर बताएंगे। क्या दिया? एक कोण और उसके पूरक का अंतर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट कर लेंगे, माना माना पहला कोण, पहला कोण हमारा क्या हो जाएगा यक्स, और उसके पूरक तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, पूरक इसका क्या हो जाएगा दूसरा कोण 90 माइनस यक्स। क्लियर हो गया ना? अब दिया है कार्तिक क्वेश्चन आपका ये है कि एक कोण उसके पूरक का अंतर, यानी एक कोण जो है और उसके पूरक का अंतर कितना है? 36 है। तो कार्तिक क्वेश्चन प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या होगा? एक कोण मींस की यक्स और उसके पूरक क्या है 90 माइनस यक्स, यानी एक कोण और उसके पूरक का जो अंतर है मींस की घटाना कितना है 36 है। तो इसी को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इस समय जितने भी 9 लिए गए होंगे स्टार का एक तरह से क्या है लीनियर इक्वेशन है, और हम चाहेंगे कि आप लोग इसको खुद सॉल्व करें और इसका आंसर आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। क्लियर, समझ में आ गया होगा कि एक को वाला को मान लेंगे यस, इसका पूरक क्या हो जाएगा 90 माइनस यस। क्लियर, का जो अंतर, अंतर मींस क्या होता है घटाना, 36 है। तो हमें कार्तिक को क्वेश्चन मिल दिए कि एक कोण और उसके पूरक का जो अंतर है 36 है, अंतर 36 है मींस की 36 के बराबर है। क्लियर, तो आप देख रहे हैं कि हमारा एक समीकरण बन गया जो समीकरण किस टाइप का है, लीनियर टाइप का। तो इस सवाल को आप खुद सॉल्व करेंगे और इसका आंसर हमें क्या करेंगे बताएंगे, नोट कर लीजिए। इतना उसका सवाल खुद सॉल्व कीजिएगा और उसका आंसर बताइएगा।